Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Varshika Singh and I'm back with another exciting video. First of all, I hope you're all doing very well and you're staying safe at your homes. And I'm really sorry for being MIA, but I am back and I have lots and lots of videos planned for you. So talking about today's video, आज मैं दिखाने वाली हूँ मेरा Miniso का beauty collection. I haven't purchased anything recently because first of all everything's closed. Second of all, now I will trying to focus on more on Indian brands. So yeah, but अब तक जो भी collection है मैं वो दिखाने वाली हूँ because कुछ products बहुत amazing हैं, बहुत affordable हैं and बहुत अच्छे हैं. So आज तो मैं beauty category मतलब makeup related stuff cover करूँगी, but I have a lots of skincare from them as well. So मैं वो next part में cover करूँगी. Without wasting any further time, मैं beauty products में चलते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डब्बा दिखा दूँ मेरे पास कितना बड़ा है. इसमें स्किन केयर भी है जो आई टोल्ड यू नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट मेकअप में है सबसे पहली ये स्टिक. ऐसी स्टिक आपने देखी होगी लैक्मे ने लॉन्च करी थी. इट्स अ लिपस्टिक, काइंड ऑफ अ टिंटेड लिप बाम आई वुड से. एंड बहुत ही प्यारी पैकेजिंग है ओम्ब्रे की. आई डोंट रिमेंबर द प्राइस बिकॉज ओवर द टाइम आई फॉरगॉट बिकॉज काफ़ी टाइम हो चुका है. लास्ट ईयर लिया था शायद मैंने. इट वॉज अराउंड 250-300 समथिंग लाइक दैट. एंड ये शेड है पीच रेड O2 एंड मैं स्वॉच करती हूँ आपके लिए. इसमें पिगमेंट यहाँ कैप के अंदर है एंड ये एप्लीकेटर है वो पफ वाला. सो यू आर सपोज टू जस्ट यू नो डैब लाइक दिस एंड देन अप्लाई. So giving you a swatch on my hand. This is the shade. This is nowhere near red. It is pink. For me, it's pure pink. I mean, Barbie pink, I would say, but not orange. मतलब जो ये दिखाया हुआ है कैप पे वो और ये कहीं से कहीं तक मैच नहीं करते हैं. So yeah, but it is really, you know, very smooth. ये शेड मुझे सूट नहीं करता है बट या स्टिल. सो फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस. नेक्स्ट इज दिस आईब्रो पेंसिल. एक साइड आपको थिन टिप मिलती है, आपको ये रोल आउट करनी होती है, और एक साइड आपको थिक मिलती है. तो ये ब्राउनिश शेड में है एंड ये 2-in-1 है इसलिए मैंने लिया था ये. लेट मी गिव यू अ स्वॉच. It is not proper brown also. It's kind of a charcoal grey type color, but it's fine. It says O2 dark brown, but when I swatched it, it's kind of a charcoal greyish color, not brown, I would say. But yeah, it's fine for the price I paid for it because ये शायद ये भी 200 कुछ का ही था. So good product. Next, I have two lipsticks and इनकी एक range आई थी Perfect Skin. इफ़ यू नो Miniso में भी काफ़ी रेंज आती है. एक यूनिफॉर्म है, एक यूनिकॉर्न रेंज है, एक 1+1 रेंज है. ये परफेक्ट स्किन रेंज है जिनकी दो लिपस्टिक्स हैं. बुलेट पैकेजिंग कुछ ऐसी है. सिल्वर ऊपर शेड्स हैं. ये शेड्स है ऑथेंटिक रेड और वाइन रेड. ये मुझे पसंद इसलिए आई थी बिकॉज ये बुलेट स्टार शेप में थी. अब थोड़ी मेल्ट हो चुकी हैं बट आई होप यू कैन सी द स्टार शेप. काफ़ी अच्छे शेड हैं. I will give you a swatch just a second. This is the shade wine red. बहुत बहुत smooth है but ये transfer proof बिल्कुल भी नहीं है. So if you buy this in future, keep this in mind. And this is the next shade, authentic red. Shades बहुत अच्छे हैं but ज़्यादा time के लिए नहीं टिकते हैं. एंड प्राइस वॉज अगेन अराउंड 200-300. मैंने शायद 50% ऑफ में लिए थे तो मुझे 200-300 के आसपास के ही पड़े थे. ओरिजिनल प्राइस मस्ट भी अराउंड 400 समथिंग आई गेस. बट यार नाइस पैकेजिंग, स्टर्डी, क्वालिटी इज गुड. बहुत ग्लॉसी है, मैट फिनिश नहीं है. अगर आपको ग्लॉसी फिनिश नहीं चाहिए तो डोंट बाय दिस, इट्स एक्सट्रीमली ग्लॉसी.
So yeah, next is this pencil. This is a eyeshadow pencil which is beautiful. I regret not buying other shades in this because this is a beautiful product. मतलब अगर आपको आई शेडो लुक पे कुछ नहीं करना है, जस्ट पुट दिस वन थिंग ऑन. ये 1+1 रेंज की है जो अभी आपको रेंजेस बता रही थी, एंड दिस इज इन शेड 04. इसका प्राइस भी शायद 200 तक का था मैक्सिमम. एंड लेट मी शो यू, लेट्स लुक एट दैट शाइन. इट्स अ ब्यूटिफुल न्यूडिश ब्राउनिश कलर एंड बहुत प्यारा लगता है लगा के. लाइक आई विल जस्ट अप्लाई इट ऑन माई आईज राइट नाउ एंड आई विल जस्ट ब्लेंड इट विद माई फिंगर. And it looks gorgeous. It gives you a beautiful natural looking eyes, but still, you know, it shows it's there. And I'm really sorry for my skin. I couldn't put any foundation on it because I have my skin is breaking a lot. So avoid that. So next I have, I don't know how this got here, but this is a mini perfume by Miniso in my zodiac sign Scorpio. If you want a video on Miniso perfumes, I have a ton and I have already done a video on that, so the eye will be on the screen, so go watch it if you haven't. So next is this nail paint by Miniso, which looks like this, and this was maybe for 99 rupees or 100 rupees only, and you get a good amount, and it is a beautiful color. It applies smoothly, it is a glossy finish. They have matte as well, but I got the glossy one. This is a beautiful burgundy purple color, and nothing much to tell about it. It's just a beautiful shade and a nail paint. So next I have this Natural BB Miniso Rose Nourishing Concealing BB Cream. So it is an 03 natural. ये product अब नहीं मिलता है वहाँ. ये जब Miniso खुला खुला था इंडिया में, मुझे याद मैंने तब लिया था, and I have been saving it till now because ये product दोबारा नहीं मिल रहा है, and this is a really good product and मेरी skin को suit करता है. एंड बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है जो मुझे ईजिली सूट कर जाते हैं या मुझे पसंद आ जाते हैं, बट दिस वन इज़ रियली रियली नाइस बिकॉज डेली आउटिंग पे आपको हैवी कुछ नहीं चाहिए होता है, आपको फाउंडेशन नहीं लगाना है, तो जस्ट गो विद इट. सो या ऑल्सो उसकी पैकेजिंग बड़ी क्यूट थी. Miniso प्लीज़ ब्रिंग दिस बैक. एंड प्राइस मुझे उसका बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, बट इट मस्ट बी अराउंड 300-400 समथिंग. So next I have another 1+1 range का Hydro Makeup Base. It is a kind of a serum texture. Okay, मैं आपको BB cream का भी texture दिखा देती हूँ. So ये यहाँ पे है and this. It is a really really good coverage. A little light for me. टू बी ऑनेस्ट, बट इट स्टिल वर्क्स. अगर मैं अच्छे से ब्लेंड करूँ, ज़्यादा अमाउंट ना लगाऊँ, तो इट वर्क्स, बट यू कैन सी द डिफरेंस, यू नो. इट ब्रिंग्स अ ब्यूटिफुल शाइन टू योर स्किन एंड आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट. सो द नेक्स्ट इज दिस वन. आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस हाइड्रो बेस. मैं इसे यूजुअली सिर्फ ऐसे ही अप्लाई कर लेती थी एज अ सिरम व्हेन आई एम गोइंग आउट. अगर मुझे बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, फाउंडेशन कुछ नहीं लगाना है, तो आई यूज दिस बिकॉज इट गिव्स यू अ शीन लुक. इट गिव्स यू अ वेरी प्रिटी शाइनी लुक. एंड लेट मी शो यू इसकी कंसिस्टेंसी. ये ख़त्म हो चुका है शायद वैसे तो, बट इस ये कुछ ऐसा लगता है, काइंड ऑफ वाइटिश टेक्सचर, मतलब प्राइमर की तरह ये लगता है. But when you spread it, it gives you a beautiful sheen look. Obviously, you cannot see it on camera, but it gives you a very pretty, glowy, dewy skin. So, a good product. ये भी मुझे दोबारा कभी नहीं दिखा है Miniso पे. So, yes. Moving on, another important product, not from the makeup range, but I wanted to tell you, stay safe guys. If you have to go outside, please go if it's only urgent, and do carry your sanitizers with you. And this sanitizer is from Miniso. ये सब कुछ लॉकडाउन वगैरह से पहले ही लिया था मैंने वहाँ पे.
बिकॉज उस टाइम पैनिक बाइंग हो रही थी, सब सैनिटाइजर हर जगह से सोल्ड आउट हो गए थे, तो उस टाइम वहाँ पे मिल रहे थे, तो आई गॉट दिस फ्रॉम देयर. इसमें अल्कोहल 60-70% है, सो या जस्ट अ डिस्क्लेमर. सो मूविंग ऑन, आई हैव दिस 1+1 का मैट लूज सेटिंग पाउडर. 1+1 आई मीन मिनीसो की रेंज विच आई टोल्ड यू, एंड आई एम टेलिंग दिस थर्ड टाइम. ओके, सो दिस इज द बॉटल एंड दिस शेड इज इन O2 न्यूड. आई एम नॉट अ मेकअप गुरु, आई डोंट डू वेरी मच मेकअप, यू कैन सी. सो आई एम ट्राइंग टू गेट इन टू इट. आई हैव बीन ऑर्डरिंग प्रोडक्ट सो आई कैन एक्सपेरिमेंट बिकॉज आई हैव बीन वेरी फ्री लेटली. सो या, बट दिस इज द इनसाइड, दिस इज द पफ यू गेट, एंड यहाँ पे आप पाउडर निकाल सकते हो, यू नो द ड्रिल. इस पर भी थोड़ा पाउडर लगा हुआ है, लेट मी डैब इट जस्ट हियर. सो या, इसमें ऐसा पाउडर को क्या बताऊँ मैं, आप जब तक फाउंडेशन वगैरह में नहीं लगाओगे, इट इज मतलब इसमें आपको ज़्यादा शेड रेंज नहीं मिलती है वैसे तो, बट थम्स अप. एंड दिस वॉज अगेन फॉर आई गेस 200-300 bucks, सो थम्स अप फॉर दैट. एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट ब्यूटी प्रोडक्ट आई गेस इज दिस लिपस्टिक, बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू शो यू अगेन इन ब्रीफ दिस रोल ऑन परफ्यूम. अगेन डिटेल में इसके बारे में भी है ऑन माई अदर वीडियो मिनीसो की परफ्यूम्स की. सो बट दिस इज अ क्यूट वन. सो द लास्ट इज दिस लिक्विड लिपस्टिक विच आई गॉट फ्रॉम मिनीसो, नोन एज वेलवेट मैट लिक्विड लिपस्टिक. ये लॉकडाउन से बिल्कुल पहले ली थी एंड आई हैवंट यूज दिस टिल नाउ, एक होली भी नहीं है. एंड दिस इज इन द शेड 05 बीट रेड. एंड एक चीज़ इसमें मैंने नोटिस करी थी कि इसमें लिखा था इट्स मेड इन इंडिया, यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया. ऑल तो ये मिनीसो पे सोल्ड आउट मतलब सेल हो रही है, बट इट्स अ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट. सो लेट मी गिव यू अ स्वॉच ऑफ दिस लिपस्टिक. एंड इसका कंटेनर कुछ ऐसा है, थोड़ा थोड़ा काइली कॉस्मेटिक्स से मिलता जुलता है. एंड यहाँ पे बस क्लासी लिखा, क्लासिक तरीके से लिखा हुआ है, वेलवेट मैट लिक्विड लिपस्टिक. एंड लेट मी गिव यू अ स्वॉच. एप्लीकेटर कुछ ऐसा है नॉर्मल लिक्विड लिपस्टिक्स का जैसा होता है. एंड लेट मी गिव अ स्वॉच हेयर. हॉरिबल स्वॉच आई नो. द एप्लीकेशन ऑफ द लिपस्टिक इज वेरी स्मूथ एंड बहुत ही अच्छा क्रिम्सन रेड बीट डीप रेड शेड है, बहुत ही प्रिटी है. आई विल डेफिनेटली बी यूजिंग इट मोर ऑफन बिकॉज आई, या तो आई लव वेरी डार्क शेड्स, वरना आई ओनली वेयर दिस टाइप ऑफ न्यूडिश कलर. आई डोंट लाइक पिंक्स, आई हेट पिंक्स एंड ऑरेंजेस इन लिपस्टिक्स बिकॉज दे डोंट सूट मी. सो या, दैट्स ऑल फॉर माई टूडेज वीडियो. इट्स बिन अ लॉन्ग वीडियो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई विल बी बैक विद एन एक्साइटिंग वीडियो ऑन द ऑल द स्किन केयर प्रोडक्ट फ्रॉम मिनीसो. सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद दैट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.